देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं बिना प्याज लहसुन का आलू का पराठा और मटर और आलू की सब्जी। कैसे बनाते हैं? इधर हम गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। इसमें ऑयल डाल दिए हैं। अब इसमें हम परवल को डालेंगे। हम बटर को डालकर फ्राई कर रहे हैं। यह फ्राई हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। निकाल दे रहे हैं और निकाल कर हमारा आयल इधर बचा है, इसी में हम जीरा ऐड करेंगे, तेजपात डाल देंगे। अब आलू इसी में डालकर फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए आलू हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालकर भी इसे तोप कर ढक देंगे। इधर हमारा अदरक मिर्च और टमाटर का पेस्ट है। देखिए आप इसमें हल्दी डालेंगे। यह है किचन किंग मसाला। और अब पेस्ट इसमें हम डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढककर इसे मसाला जब तक भून जाएगा तब तक इसे पकाएंगे। अब यह देखिए हमारा मसाला भून गया है। इसमें अब परोर को हम डाल देंगे। और अपने आपको जैसी सब्जी सूखी या ग्रेवी वाला खाना पसंद है वैसी आप बनाइए। पानी डालकर इसे हम ढक देंगे, ढक कर इसे पकाएंगे। इधर हमारा आलू हो गया है। इसमें हल्दी डालेंगे, एक थोड़ा सा गरम मसाला है, ये अमचूर पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्का सा नमक स्वाद के अनुसार। एक अमचूर पाउडर है, चाट मसाला सॉरी। ये धनिया के पत्ती काट लिए हैं धोकर। इसमें अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। खूब सारा धनिया के पत्ती और हरा मिर्च थोड़ा सा। इधर आटा हम गूंथ लिए हैं, नॉर्मल आटा जो रोटी का बनता है। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखिए मेरी सब्जी कैसी लग रही है। धनिया की पत्ती डाल देंगे। अच्छी लगी तो भी ठीक है, नहीं पसंद है वो भी ठीक है। जब तवा गर्म हो गया है, देखिए भरने पूरी आलू का पराठा तो भरने सबको आता है। अपने अनुसार कम या अधिक भर सकते हैं। देखिए इसी तरह भर लीजिए हल्के हल्के हाथों से दबाकर, ये खुलना नहीं चाहिए। इसे अपने अनुसार बड़ा छोटा आकार दे दीजिए। अब ताप हम गर्म हो गया डाल दिए हैं। इधर ऑयल लगा देंगे काटन या ब्रश के सहारे से। देखिए मेरी पराठा खुल गई है। हाँ अभी से उतार देंगे।
अब दूसरा पराठा हम डाल दिए हैं, दूसरा पराठा भी सीख गया, इसमें आयल लगा देंगे। अब घी में या रिफाइंड आयल में कोई भी जो आपको पसंद है उसमें बनाइए। मेरा दूसरा पराठा भी सीख कर तैयार हो गया है। यार देखिए हम थाली लगा दिए हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं सब्सक्राइब करें, और नवरात्रि में बिना प्याज लहसुन का सब्जी इसी तरह बनाइए।